ये तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। कई यूजर्स ने ये तस्वीर शेयर कर मुस्लिम धर्म पर निशाना साधा है। तो क्या वाकई में इस बुजुर्ग व्यक्ति ने इस बच्चे से शादी रचा ली? इस तस्वीर की जांच करते हुए हमें पता चला कि वायरल दावे पूरी तरह से गलत है। हमें ये तस्वीर 29 अगस्त 2016 के इस ट्वीट में मिली, जिसमें बताया गया है कि तुर्की के शहर एलाजिग में एक प्ले स्कूल में बच्चों के कुरान पढ़ने के लिए उत्सव मनाया गया था और इस दौरान उन्हें शादी की पोशाक पहनाई गई थी। इस क्लू के आधार पर हमने डेट फिल्टर के साथ कीवर्ड सर्च किया। हमें 19 मई 2016 का ये ट्वीट मिला, जिसमें वायरल तस्वीर के जैसे ही कुछ तस्वीरें थी। तुर्की के अखबार SOL ने 20 मई 2016 की इस रिपोर्ट में बताया है कि एलाजिक के एक किंडरगार्टन में कुरान पढ़ने का जश्न मनाया गया था और उसमें बच्चियों को शादी का कॉस्ट्यूम और पगड़ी पहनाई गई थी। किंडरगार्टन का कहना था कि जो बच्चे पढ़ना लिखना नहीं सीखे हैं, वो भी तस्वीरों और वीडियोस के जरिए कुरान की शिक्षा ले रहे हैं और इसी वजह से बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आर्टिकल में लिखा है कि तस्वीर में बच्चियों के साथ दिख रहे व्यक्ति किंडरगार्टन के हेडमास्टर है। हालांकि कुछ लोगों ने बच्चियों को शादी के कपड़े पहनाए जाने पर स्कूल की आलोचना भी की थी। बहरहाल इतना तो साफ है कि तस्वीर के साथ शेयर किया गया दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है। असल में तस्वीर में तुर्की के एक प्ले स्कूल के हेडमास्टर और उनकी स्टूडेंट है।